नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपुल राजप्रीत और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, हमारी संस्कृत की क्लास नंबर 5 आज रहेगी। आज हम चर्चा करेंगे प्रत्याहार निर्माण पर। इससे पहले हमने भी 4 क्लासें देखी लगा दी गई है इस चैनल पर। आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के आज बटन में आपको उन चारों के लिंक मिलेंगे, आप जाकर उनको देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे महेश्वरी सूत्रों के साथ जो अन्य तथ्य छूट गए थे, और उसके बाद हम प्रत्याहार निर्माण की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो देखिए, महेश्वरी सूत्रों का पहला कथन है, यह है 14 सूत्र भगवान शंकर के डमरू वादन से उत्पन्न हुए, इसीलिए महेश्वरी सूत्र कहलाए। यानी ये 14 के 14 सूत्र भगवान शंकर ने जब डमरू वादन किया था उससे उत्पन्न थे, इसलिए इनको कहा जाता है माहेश्वर सूत्र। इनके रचयिता भगवान पाणिनि माने जाते हैं। इनके रचयिता कौन है? भगवान पाणिनि। इनके अन्य नामों की बात करें तो दोस्तों, इनको एक तो कहा जाता है शिव सूत्र जाल। इनका अन्य नाम है महेश्वरी सूत्रों का अन्य नाम है शिव सूत्र जाल। इसके साथ ये वर्णों की वर्णमाला भी इनसे उत्पन्न होती है, इसलिए इनको कहते हैं वर्ण समानानाय या अक्षर समानानाय। या तो वर्ण समानानाय कहते हैं या अक्षर समानानाय कहते हैं। इनके द्वारा ही दोस्तों प्रत्याहारों का निर्माण, इसलिए इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। इन्हीं के द्वारा प्रत्याहारों का निर्माण होता है, इसलिए इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। अब दोस्तों, इनको नव पंचवारम क्यों कहा जाता है? कि शिवजी ने सबसे प्रथम 9 बार डमरू बजाए और फिर 5 बार, यानी क्रम था 9 + 5, ऐसे क्रम था, इसलिए इसको कहा जाता है नव पंचवारम। क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछ लिया जाए कि माहेश्वरी सूत्रों का या नव महेश्वरी सूत्रों का अन्य नाम है तो ये, या महेश्वरी सूत्रों की संख्या पूछ ले तो 14 की नए देकर ये भी दे सकते हैं। एक दे सकते हैं ऑप्शन चतुर्दश, और एक आपके ऑप्शन आ सकता है नव पंचवारम। तो ये सटीक होगा, नव पंचवारम ये सटीक होगा। आगे देखो, ये जो आपके 14 हल वर्ण हैं ये क्या हैं दोस्तों? इत्संज्ञक है, यानी इनकी इत्संज्ञा, जितने भी 14 हल वर्ण हैं वो क्या है दोस्तों? इत्संज्ञक है, और इनकी क्या होती है? इत्संज्ञा होती है। आगे देखिए, अब हम चर्चा करेंगे प्रत्याहार निर्माण की, यानी प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है। तो प्रत्याहार निर्माण का पहला सूत्र है आदिरंतेन संहिता। ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है। क्या है? आदिरंतेन संहिता, ये है प्रत्याहार विधायक सूत्र। कोई भी प्रारंभिक वर्ण अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर प्रत्याहार कहलाता है। यानी किसी भी महेश्वरी सूत्र का प्रारंभिक वर्ण और उस जो अंतिम इत्संज्ञक वर्ण है उसके साथ मिलकर दोस्तों किसका निर्माण होता है? प्रत्याहार का। जैसे आपको कहे कि अक प्रत्याहार का निर्माण की सेवा, अब अक प्रत्याहार है तो इसका जो प्रारंभिक अक्षर है ए और क, इन सेवा, इसके बीच में ये तो प्रारंभिक अक्षर है और ये अंतिम इत्संज्ञक अक्षर है, इनसे मिलकर किसका निर्माण हुआ दोस्तों? अक प्रत्याहार का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? अक प्रत्याहार का निर्माण हुआ। आगे देखो, प्रत्याहार में प्रारंभिक वर्ण से लेकर इत्संज्ञक वर्ण तक के वर्णों को ग्रहण होगा, बीच में आने वाले इत्संज्ञक वर्ण और अंतिम इत्संज्ञक वर्ण का नहीं। यानी प्रत्याहार में एक तो प्रारंभिक वर्ण से लेकर जो इत्संज्ञक तक के वर्ण हैं उनको ही ग्रहण किया जाता है, बीच में कोई भी इत्संज्ञक वर्ण आए या अंतिम इत्संज्ञक वर्ण है इनको ग्रहण नहीं किया जाता दोस्तों। प्रारंभिक वर्ण से लेकर अंतिम इत्संज्ञक वर्ण को तक ही ग्रहण किया जाता है, और जो इत्संज्ञक वर्ण है और अंतिम इत्संज्ञक वर्ण है इनको ग्रहण नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं, जैसे अक प्रत्याहार है तो अक प्रत्याहार प्रारंभ होगा ऐसे, इसमें ए ई ऊ री लृ आएगा, लेकिन ये जो क है दोस्तों इसकी संख्या यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर इसको क को नहीं माना जाएगा ये, क्योंकि ये इत्संज्ञक वर्ण है और इत्संज्ञक वर्ण होने के कारण इसको यहाँ पर नहीं गिना जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ अन्य फैक्ट। अगर आप मूल स्वरों की बात करो तो वो अक प्रत्याहार से निकलते हैं, ए ई ऊ री लृ, ये 5 ही मूल स्वर है आपको पता है, और ये 5 मूल स्वर अक प्रत्याहार से निकलते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर के। संयुक्त स्वर दोस्तों एज प्रत्याहार से निकलेंगे, क्यों? कि महेश्वर सूत्र में ए ओ आई औ ये 4 संयुक्त स्वर है, तो ए ओंग ऐ औ च,
अंग नहीं गिना जाएगा और च नहीं गिना जाएगा, तो क्या नहीं गिने जाएंगे, ए आई ओ औ ये ही गिने जाएंगे और ये संयुक्त स्वर होंगे, इनका एच प्रत्याहार होगा। अगर सभी स्वरों का प्रत्याहार की बात करें तो अच प्रत्याहार होगा, ऐसे लेकर च तक के जो वर्ण आएंगे बीच में अच प्रत्याहार में आएंगे, नौ वर्ण हैं ये टोटल। अगर अंत्यस्थ वर्णों की बात करें तो यण प्रत्याहार बनेगा, य व रे और ल। कल आपने वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो में डिटेल से बताया गया अंत्यस्थ के कौन 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 से सूत्र हैं, उत्सम के कौन से सूत्र हैं, उस वीडियो को डिटेल से देख लेना, ये सब समझ में आ जाएंगे। फिर पंचम वर्ण का प्रत्याहार है यम प्रत्याहार, यम प्रत्याहार ये कौन सा है, यह से लेकर मैं तक के जो प्रत्याहार है पंचम वर्ण। फिर चतुर्थ वर्ण का प्रत्याहार है झस प्रत्याहार, इसमें सारे चतुर्थ वर्ण आते हैं झस प्रत्याहार में। फिर तृतीय वर्ण जस प्रत्याहार, इसमें जब गढ़ जस है ये सारे तृतीय वर्ण में आएंगे। प्रथम एवं द्वितीय वर्ण का प्रत्याहार है खय प्रत्याहार, खय प्रत्याहार प्रथम और द्वितीय वर्ण का है, और केवल प्रथम वर्ण का पूछे तो चय प्रत्याहार है, प्रथम वर्ण केवल प्रथम वर्ण का चय प्रत्याहार। उषम वर्णों की बात करें तो शल प्रत्याहार होगा, कौन सा, ससर हल, ससर हल जो है तेरहवां चौदह सूत्र है वो शल प्रत्याहार। सभी व्यंजनों की बात करें तो हल प्रत्याहार है से लेकर लय तक, हल प्रत्याहार तैतीस व्यंजन। और सभी वर्णों की बात करें तो उसका नाम है अल प्रत्याहार, यानी ऐसे लेकर लास्ट लय तक अल प्रत्याहार, जिसमें अच भी शामिल होंगे आपके हल भी शामिल होंगे, नौ स्वर तैतीस व्यंजन टोटल 42। पाणिनि के अष्टाध्याय के अनुसार 41 प्रत्याहारों की संख्या मनाई जाती है 41, और रे प्रत्याहार के अन प्रत्याहारों की संख्या मानी जाती है 42, और व्याकरण की दृष्टि से 44। तो अगर पूछ ले कि पाणिनि अष्टाध्याय के अनुसार कितने माने तो 41, और रे प्रत्याहार को स्वीकार करके 42, और व्याकरण की दृष्टि से 44। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज के प्रत्याहारों की क्लास, कल हम जो है वर्णमाला शुरू करेंगे। दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, आप सब अपने अपने घरों में बने रहें और स्वस्थ रहें।